इस लड़की को देख रही हो? ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये पूरे भोपाल की छोटी बेगम है। तुम्हारे आहिल की नई बीवी है ये। अरे हाँ, जब दोनों सनम आमने सामने हैं तो हाथ मिलाना तो बनता ही है। अच्छा अच्छा, आओ हाथ मिला। कहाँ हो तुम, हाथ मिला। क्या हुआ सना, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि आहिल की नई बीवी आहिल। आहिल, आहिल, तुमने अपनी सना। अरे क्या हुआ, अगर तुम भोपाल की छोटी बेगम नहीं बन पाई, लेकिन आहिल की दुल्हन तो बनना चाहती थी, कम से कम उस ओहदे का थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। जो रिश्ता अल्लाह बनाता है ना, वो रिश्ता कभी शैतान के कोशिश करने पे नहीं टूटता, समझी तुम? एक बात समझ, मैं अब भी आहिल की बीवी हूं। निकाह हुआ था हमारा और अब तक तलाक नहीं हुआ है। और इस लड़की की आंखों में ना ये डर देख के साफ पता चल रहा है कि तुम इसका इस्तेमाल कर रही हो अपने मतलब के लिए। इसे भी इस्तेमाल कर रही हो जैसे आज तक तुम आहिल को इस्तेमाल करती आई। फिर से कोई चाल चली है तुमने और इन दोनों को धोखा दे रही हो। मैं जरा सीडी लगाती हूँ। जी जरूर। आपकी तारीफ। जी मैं राहत अली अंसारी का छोटा भाई फैज। माफ कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी वो कल रात आपके घर में एक नकाबपोश घुस आया था। आपकी वाइफ ने हमें उसी की जांच के लिए बुलाया है। हम सिक्योरिटी कैमराज के फुटेज चेक कर रहे हैं। आई एम श्योर हमें उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। हया, तुम ठीक तो हो? डोंट वरी मिस्टर राहत, एक बार हम ये फुटेज देख लें उसके बाद उस नकाब पोश को हमारे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। सर, डीवीडी प्ले हो गए। या अल्लाह, अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो नकाब पोश कौन था।
सीडी को क्या हुआ? मैं देखती हूँ, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये डीवीडी चल क्यों नहीं रही है? शायद ये सीडी करप्ट हो गई है। कोई बात नहीं, हम दूसरी सीडी रेडी करवाते हैं। ओके। बकवास बंद करो और अपनी औकात मत भूलो। तुम पहले भी 2% की नौकरानी थी और आज भी 2% की नौकरानी हो। देखा नहीं तुमने, आहिल तुम्हारी बात सुनने के लिए बाहर तक नहीं आया। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हमारे आहिल के लिए मर चुकी हो, समझी? मर चुकी हो। सब कभी नहीं हो सकता। समझती हो अपने आप को तुम? खेल है सब कुछ तुम्हारे लिए ना, लेकिन मोहब्बत के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। आहिल मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझ पे यकीन करते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने उनका दिल दुखाया है, इसलिए वो नाराज है, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा ना, तो वो समझ जाएंगे कि कौन सही था और कौन गलत था। वाह क्या बात है, बातें तो तुम बहुत अच्छी बना लेती हो माशाल्लाह। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आहिल तो क्या, कोई भी आ जाएगा, लेकिन इस बार आहिल तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और तुम्हारी चली हुई चालों में भी कोई भी आ सकता। अब तक तो ये बात मैं समझ चुकी कि आहिल के दिलो दिमाग में जो जहर है वो तुमने भरा है। बचपन से लेके आज तक तुम उनके दिमाग में यही जहर भरती आई हो। अगर ये लड़की एक पल के लिए भी हमारे सामने और खड़ी रही हो, तो हम तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। चलो, जाओ से यहाँ से। मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात की, मैं नहीं जा रही। आओ, आओ, चलो, आओ, चलो यहाँ। हया, तुम प्लीज ऐसे परेशान मत हो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के चला गया था, लेकिन मेरा यकीन करो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। राहत, मैं चाहती हूँ आप मुझे तलाक दे दें। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। हया, जिंदगी के फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं ले जाते। हया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा यकीन करो हया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे फंसाया गया हया, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आऊंगा। मैं उस लड़की को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा हया, और तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैंने हमारे रिश्ते को धोखा नहीं दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है राहत। क्योंकि धोखा सिर्फ आपने नहीं, मैंने भी आपको दिया है।
क्या मतलब? आप शायद अपनी बेगुनाही का सबूत ले भी आएंगे, लेकिन अब मैं आपकी काबिल ही नहीं रही। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने और भेज दे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन सच तो ये है राहत कि मैंने हमारे रिश्ते को नापाक किया है। अपनी हार मान लो सनम, तुमने आहिल को हमेशा के लिए खो दिया है और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। खुदा हाफिज सनम। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, हाँ ये भी मैं जानता हूं कि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी हया ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो ना? काश ये झूठ होता, काश मैं आपको बता पाती कि अपने वजूद को खोकर जीने का एहसास कितना खौफनाक होता है। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ जब मैं खुद ही मियाँ बीवी के यकीन को नहीं रख पाई, तो मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मुझे कोई हक नहीं रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। रात आज मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ और आप अब मुझे इस रिश्ते में रहने का कोई हक नहीं है। आप मुझे तलाक दे दीजिए। हया, ये तुम्हारी मर्जी थी कि तुम मुझे सच बताओ, लेकिन अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इस पे यकीन करूं या नहीं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको हकीकत कैसे बता पाऊंगी आहिल? मैं आपको कैसे बता पाऊंगी कि इस तनवीर ने आपके साथ कैसा खेल खेला है? आपने खुद से वादा किया था ना कि
कि आप मेरे ऊपर अपनी जिंदगी से भी ज्यादा यकीन करेंगे तो फिर उस यकीन का क्या हुआ? वो सारे वादे, वो सारी मोहब्बत कहाँ खो गई आहिल? अल्लाह के लिए मुझ पे यकीन कीजिए। इस तनवीर ने परसों पहले मेरे खानदान को बर्बाद किया था, एक बार फिर से इसे जीतने मत दीजिए। मदद करो अल्लाह। क्यों लग रहा है जैसे तनम किसी परेशानी में? पापा सब ठीक रखना। अरे ये किसके रोने की आवाज आ रही है? ये वो नई सनम है ना, उसके रोने की आवाज है। अपनी हद में रहो, औकात नहीं भूलो अपनी। हम तुम्हें उस गंदगी से उठा कर लाए हैं इसलिए नहीं ताकि हम तुम्हें अपने गले लगा सके। बड़ी भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? आपने तो कहा था कि मुझे घर मिलेगा, मुझे यहाँ रहने की जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ तो मेरा शौहर ही मुझे छोड़कर चला गया। आहिल घर छोड़कर चला गया, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि हमने उस सनम को घर से निकाल दिया। और यही वक्त है जब तुम आहिल को अपना सकती हो, लेकिन तुम्हें तो इस रोने धोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक बात कान खुलकर सुन लो, हम बस इतना चाहते हैं कि आहिल की नजर जब भी तुम पर पड़े उसे तुम्हारे अंदर अपनी बीवी नजर आनी चाहिए, इस घर की मालकिन नजर आनी चाहिए, भोपाल की बेगम नजर आनी चाहिए। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस दुनिया में तुमसे अच्छी लड़की उसे कभी मिल ही नहीं सकती। और अगर दोबारा कभी हमने तुम्हें दहाड़े मारकर रोते हुए सुना ना, तो वल्लाह कसम हम तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। वादा है हमारा। जब आप आहिल जी के बारे में पूछ रही थी तब आहिल जी घर पे नहीं थे, वो सुबह ही चले गए। एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो, एक मिनट मेरी बात, अरे रुको।